इसराइल हमास युद्ध की वजह से पूरा मिडिल ईस्ट इसकी चपेट में आने लगा है, क्योंकि पहले गाजा में इजरायली सेना हमास से लड़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ उत्तरी इसराइल पर हिजबुल्ला कहर बरपा रहा है। इजरायली पीएम की हमास के खात्मे वाली कसम ने इजरायली सेना को इस समय दो फ्रंट पर जंग लड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। हिजबुल्ला के रॉकेट ड्रोन मिसाइल हमलों से इजरायली सेना दहल रही है। इन हमलों में इजरायली फौज के इंफ्रास्ट्रक्चर भी नष्ट हो गए हैं। उत्तरी इसराइल पर लेबनान के हिजबुल्ला लड़ाकों का साया मंडरा रहा है। लेबनान के प्रतिरोधी गुट के हिंसक हमलों से बेहाल इसराइल अब हमास के साथ साथ लेबनान से भी जंग कर सकता है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इसराइल और लेबनान के हिजबुल्ला समूह में भीषण युद्ध छिड़ सकता है, लेकिन इजरायली हमलों की आशंका के बीच भी हिजबुल्ला के हमलों में कोई कमी नहीं आई है। जंग के बीच हिजबुल्ला और उसके लड़ाकों ने गाजा पट्टी में इजरायली सैन्य ठिकानों और सैनिकों के खिलाफ कई ऑपरेशन किए हैं। हिजबुल्ला ने कहा कि उसके प्रतिरोध लड़ाकों ने दोपहर 1:45 बजे इजरायली मिसगाव एम साइट पर जासूसी उपकरणों को निशाना बनाया, जिससे उन पर सीधा हमला हुआ, और ठीक 2 घंटे बाद यानी 3:40 पे लेबनान के कफार चौबा पहाड़ियों में रुसाइत अल आलम साइट पर एक इजरायली मरकवा टैंक और एक नेमेरा बख्तरबंद रिकवरी वाहन पर मिसाइलों से हमला किया गया, जिससे उन पर सीधा हमला हुआ और दोनों वाहन नष्ट हो गए। ये हमले यही नहीं रुके, इसके बाद ठीक शाम को 6:40 पर इजरायली मेटुला साइट पर जासूसी उपकरणों को निशाना बनाया गया, जिससे उन पर सीधा हमला हुआ और वो भी नष्ट हो गए। इससे पहले भी हिजबुल्ला ने इजरायली सैनिकों पर अपने हमले का वीडियो साझा किया है। हिजबुल्ला के हमलों से इजरायल के लिए लड़ पाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका ने इजरायल का साथ नहीं दिया है। इसराइल और हिजबुल्ला के बीच जंग की आशंकाओं को देखते हुए अमेरिका ने पहले ही कह दिया है कि वह लेबनान में हिजबुल्ला के साथ युद्ध के खिलाफ इसराइल की मदद करने में सक्षम नहीं होगा। इजरायली सेना ने भी हिजबुल्ला पर हमले करने के मौके से पीछे नहीं हटा है। कुछ महीने पहले दक्षिणी लेबनान में हवाई हमले में हिजबुल्ला के 2 कमांडरों और हिजबुल्ला के 3 लड़ाकों की मौत हो गई थी। हवाई हमलों में राडवान फोर्स के पश्चिमी क्षेत्र के रॉकेट और मिसाइल यूनिट के कमांडर मोहम्मद हुसैन शहरी की मौत हुई। IDF ने बताया कि मोहम्मद हुसैन शहरी ने लेबनान से इजरायली क्षेत्रों की ओर हमले की योजना बनाई थी। इजरायली सेना ने कमांडर महमूद इब्राहिम फदल्लाह को भी हवाई हमले में मार गिराया। महमूद इब्राहिम फदल्लाह हिजबुल्ला की रॉकेट और मिसाइल यूनिट के कमांडर थे। हालांकि इसके बाद भी हिजबुल्ला के हमलों में कमी नहीं आई, बल्कि इसके बाद हिजबुल्ला ने अपने हमलों को और तेज कर दिया।